तो बात करेंगे टीम इंडिया के अगले मिशन यानी कि वेस्ट इंडीज दौरे की। कल से टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मुकाबला खेलेगी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो किस प्लेइंग 11 के साथ कप्तान रोहित शर्मा उतरेंगे, क्योंकि स्क्वाड में कई सारे नए नाम भी हैं जैसे कि यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार, ईशान किशन। तो क्या कल आपको ईशान किशन विकेट कीपिंग करते हुए देखेंगे, या फिर कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से केएस भरत को मौका देंगे? क्या मुकेश कुमार का कल डेब्यू होगा नहीं होगा, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए देखेंगे, या फिर ईशान किशन के साथ साथ आपको यशस्वी जायसवाल का डेब्यू भी देखने को मिल सकता है? तो क्या होगी पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या होगी टीम इंडिया की संभवतः प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं स्क्वाड पर कि टीम इंडिया का टेस्ट स्क्वाड क्या है। तो टेस्ट स्क्वाड में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे और रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, के एस भरत, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जयदेव नाटकर, नवदीप सैनी और मुकेश कुमार। ये है टीम इंडिया का टेस्ट स्क्वाड। लेकिन इसमें अगर नए नामों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, यशस्वी जायसवाल हैं और ईशान किशन है, नवदीप सैनी और मुकेश कुमार है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की संभवतः प्लेइंग 11 की। तो मेरी इस टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही रहेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने यहाँ यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है। उसके बाद चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं, पांचवें पर अजिंक्य रहाणे हैं और छठे नंबर पर ईशान किशन है। के एस भरत को मैंने नहीं रखा है, ईशान किशन को रखा है। उसके बाद आपके रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और नवे पर मैंने मुकेश कुमार को मौका दिया है और दसवें पर जयदेव उनाटकट और ग्यारहवें पर आपके मोहम्मद सिराज। तो ये है मेरी प्लेइंग 11। फाइनल प्लेइंग 11 आपको टॉस के बाद ही पता चलेगी, लेकिन संभवतः प्लेइंग 11 है जो इसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल बतौर ओपनर, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, मुकेश कुमार, जयदेव उनाटकट और मोहम्मद सिरा। ये है वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए संभवतः प्लेइंग 11। फाइनल प्लेइंग 11 आपको टॉस के बाद ही पता चलेगी। और जो मैंने टीम बनाई है उसमें मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं दिया है, यशस्वी जायसवाल को मैंने यहाँ पर मौका दिया है और उसके साथ मैंने यहाँ पर ईशान किशन और मुकेश कुमार को अपनी टीम में शामिल किया है। आप भी अपनी टीम बना सकते हैं और हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं कि किसको मौका मिलना चाहिए, यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज गायकवाड़ को या फिर मुकेश कुमार को, किसका कल डेब्यू होना आता है हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।